मेरी सभी मणिपुर वासियों के से अपील है कि आप कृपया अफवाहों पे ध्यान न दें, अफवाहों के निरसन के लिए यहाँ पर कुछ टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं, आइधर और साइड से शांति बनाए रखें। मणिपुर में शांति के कारण विकास का एक नया युग 6 साल से चल रहा था, कोर्ट के एक फैसले के कारण, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये मनमुटा हुआ है। मुझे भरोसा है कि मणिपुर की जनता आपसी सद्भाव के साथ चर्चा कर जल्दी इसका निपटारा लाएगी। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैं स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। मैं सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। समय शांति बनाने का है, समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का है और जिस काम के लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है मैं मानता हूं वो काम यही है। तो आप लोग कृपया दोनों साइड से शांति बनाने का, चर्चा का और सद्भाव बढ़ाने का माहौल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। धन्यवाद।